कौन है? दरवाजा तोड़ने में लगा है, आ रहा हूँ, रुक जाओ। अरे दरवाजा खोलो, हम अपना पैसा लेकर ही जाएंगे। अरे खोलो वरना दरवाजा तोड़ देंगे। अरे किससे डर के दरवाजा बंद कर दिया, अभी देखता हूँ। अरे बताना तो था ना कि बाहर कौन है। आज मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा, बाहर निकलो। तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। कौन नोच लूंगी, सर फोड़ दूंगा। मोटू हमारे बदन का हर पार्ट बुक हो गया है, जल्दी से कुछ करो वरना हमारे बदन में कुछ नहीं बचेगा। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, तुम ही कुछ करो। आइडिया। अरे अंदर क्या बैठे हो, अरे बाहर निकलो। तुम कौन हो? I am Mary, dear housemate. मैं इनका खाना पकाती हूँ। उन्होंने मेरी सैलरी भी नहीं दी है, वो बीच के खिड़की से भागने वाले हैं। हमारे पैसे नहीं देते, घर में नौकरानी रखी है। चलो पीछे, जल्दी चलो। प्लीज उन्हें पकड़ के मेरी भी सैलरी दिलवा दो। जल्दी जाओ बाबा पीछे, नहीं तो वो भाग जाएंगे। जय हो! बूढ़ी बाबा, ये सुंदर लड़की कौन है? ये सुंदर लड़की मैं हूँ, घसीटा राम हमें बचा लो, हम बहुत मुसीबत में हैं, पैसे मांगने वाले हमें ढूंढ रहे हैं। इतनी भूख लगी है लेकिन समोसे भी नहीं खा सकते, हम क्या करें? अरे बाबा तुम चिंता मत करो, पैसा मांगने वालों से निपटने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। देखो तुम दोनों कोई और भेष बना के घूमो, फिर तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। लेकिन हम किसका भेष रखे और कैसे रखे? हाँ हम लड़की बनके तो हमेशा नहीं घूम सकते, भेष बदलने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। हम अखबार में तो फोटो देखा था, हम अभी तुम्हारा भेष बदल देता है। सीताराम तुम तो कमाल के आदमी हो, अब तो हमें कोई नहीं पहचान सकता। थैंक यू घसीटाराम, लेकिन हमारा नाम क्या होगा? मोटू का नाम है आमिर चंद और तुम्हारा नाम है फकीर चंद। अब चलो सीधा चाय वाले की दुकान में, देखता है वो तुमको पहचान पाता है कि नहीं। मैं नहीं रुक सकता, खुशबू। अरे क्या कर रहे हो मोटू, ऐसी हरकत करोगे तो कोई भी तुम्हें पहचान लेगा। घसीटा राम जी, अगर मोटू पतलू दिखे तो बताना, उनकी टांग तोड़ दूंगी, मेरे पैसे ही नहीं दे रहे। इससे पहले कि ये पहचान ले, चलो यहाँ से। हेलो, चिंगम ने भी हमें नहीं पहचाना, अब तो हमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। अब हमारे दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। भैया माँ, ये तो आमिर चंद फकीर चंद है, जिन्हें देखते ही गोली मारने का हुक्म है। लगता है अब सुख भरे दिन बीते रे भैया, दुख आयो रे। अरे इसे क्या हो गया? हे, हे, हे। रुक जाओ, रुक जाओ। ओह, इंस्पेक्टर चिंगम किसी अपराधी को पकड़ने जा रहा है, अगर मैं उसकी मदद कर दूं तो मुझे पुलिस में नौकरी मिल जाएगी और मैं होऊंगा। चोर, चोर, पकड़ो, पकड़ो। अय्या माँ, मेरे पीछे ये डॉगी क्यों पड़ा है? ये क्या डॉगी बॉग? अय्या माँ, डॉगी से बचाओ। नीचे आओ इंस्पेक्टर साहब, नीचे आओ, उसे पकड़ना है। ये तो किसी काम का नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। एक मिनट, चलो नीचे छुपते हैं। ये क्या मुसीबत है, चिंगम जरूर हमें कोई अपराधी समझ रहा है, मोटू अब क्या करे?
खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया, ये गेटअप उतार दो, चिंगम से पीछा छूट जाए तो फिर से ये भेस रख लेंगे। भेस रखा तो चिंगम पीछे पड़ गया, भेस उतारा तो ये सब आ रहे हैं। मोटू जल्दी कुछ करो। अरे मैं क्या करूँ, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। वो देखो मोटू पतलू, मारो छोड़ना मत। आइडिया, अरे ये क्या कर दिया। उन लोगों की मार खाने से अच्छा है कि मोटर बोट में खुली हवा खाए। अरे क्या कर रहे हो, थोड़ा सा और बस। इतना बड़ा समोसा नहीं। जल्दी से अपना गेटअप चेंज करो, वरना वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। अरे ये लो, अब ये पीछे पड़ गया। रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। वो रहे अपराधी, अभी भी पुलिस डॉग बनने का चांस है। ये इंस्पेक्टर किसी काम का नहीं, लगता है मुझे ही इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा। हिंदुस्तान की कसम, भारत माता की कसम, छोड़ूंगा नहीं। मोती की चंगुल से बचना या इम्पॉसिबल। अब इस डॉगी को क्या हुआ, ये क्यों हमारे पीछे पड़ा है। आज का दिन ही बुरा है, जिसे देखो वही हमारे पीछे पड़ा है। खतरनाक है। शुक्र है सब पीछे रह गए। एक बाकी है, उसने हमारा पीछा ना छोड़ने की कसम खाई है। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। मुझे इंस्पेक्टर की मदद करनी चाहिए। एक से भले। चिंगम सर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे माँ, ये डॉगी मेरे पीछे क्यों पड़ा है जी? बचाओ! इस डॉग के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। हस, ये क्या हो रहा है जी? सब गड़बड़ मेरे साथ ही क्यों होता है जी? हम उस पुल से टकराने वाले हैं, जल्दी कुछ करो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया, स्पीड बढ़ा दो, हम पुल के ऊपर से जाएंगे। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। अब बोलो 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 बोलो, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, कौन है रे तुम? मोटू पतलू तुम? सर हमने आपका क्या बिगाड़ा है, आप हमें गोली क्यों मार रहे थे? अमीर चंद फकीर चंद दो खतरनाक अपराधी, इन्हें देखते ही गोली मारने का आदेश है। तुम दोनों की वजह से मैं बहुत भागा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे चंगुल से भी बचना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल।